बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं। फिलहाल उनकी किस्मत सातवें आसमान पर है। इस साल उनकी अभी तक 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। साल की शुरुआत में उन्होंने देशभक्ति के रंग में रंगी फिल्म केसरी से की। दर्शकों पर इस फिल्म का जादू इस कदर चढ़ा कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म के बाद अक्षय 15 अगस्त के मौके पर लेकर आए मिशन मंगल जैसी शानदार फिल्म, जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि ये फिल्म खिलाड़ी कुमार के करियर की पहली 200 करोड़ी फिल्म भी बनी। साथ ही इस फिल्म ने कई लोगों को इंस्पायर भी किया था। इन दो फिल्मों के बाद अक्षय दिवाली के मौके पर लेकर आए थे कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4। ये वो फिल्म थी जिसे कुछ लोगों ने पसंद किया तो कुछ ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई कर ये फिल्म भी सुपर हिट हो गई। कहना गलत नहीं होगा कि ये साल अक्षय के नाम ही रहा है। फिल्मों के हिसाब से अक्षय कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सही जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अक्षय कुमार ने कई बढ़िया फिल्मों में काम किया और उनका करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है। अक्षय कुमार के सितारे इस समय बुलंद हैं और वो जिस भी चीज को छू रहे हैं वो सोने में तब्दील हो रही है। अब अक्षय जल्द ही फिल्म गुड न्यूज के साथ आ रहे हैं। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अक्षय ने एक लीडिंग वेबसाइट से खास बातचीत की। इस दौरान अक्षय से कहा गया कि 90s से लेकर अभी तक जब भी सुपरस्टार्स के नाम लेने की बात आती है तो पहले तीनों खान यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का नाम लिया जाता है। इन तीनों के बाद अक्षय का नाम आता है। ऐसे में अक्षय से पूछा गया कि क्या वो अपनी नंबर 4 पोजीशन से आगे निकल गए हैं। इस सवाल पर अक्षय कुमार ने बिना समय गवाए जवाब दिया। अक्षय ने कहा कि मैं नंबर गेम को लेकर चिंता नहीं करता, मैं महालक्ष्मी रेस कोर्स का घोड़ा नहीं हूँ। तो देखा आपने, अक्षय ने खान संग नंबर 1 की रेस के मामले में ऐसा जवाब देकर हर किसी को हैरान कर दिया है। यूं कहे कि सीधा सीधा उन्होंने सलमान, शाहरुख और आमिर पर ताना मारा है। अक्षय की नई फिल्म गुड न्यूज की बात कर लें तो इसमें उनके साथ करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी ने काम किया है। ये फिल्म 27 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इसके अलावा अक्षय कुमार सूर्यवंशी, लक्ष्मी बॉम्ब, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे और बेल बॉटम जैसी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, जो कि अगले साल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली है। वैसे अक्षय के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।